हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, ये है शाम के टाइम का वीडियो, मतलब शाम के लगभग 4:30-4:30 बज रहे थे तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने डोर मैट की क्लीनिंग, आप जो कि आप देख ही रहे हैं। तो अभी क्या है कि हम बहुत टाइम से घर गए हुए थे, तो फिर जब हम घर से आए ना तो धीरे धीरे करके साफ सफाई हो ही जाती है, सबके साथ हो जाती है, हमारे साथ भी वही है। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को साफ़ करने में लगे हैं और हो सकता है कि ये घर भी मुझे चेंज करना पड़े। तो अगर मैं चीज़ों को साफ़ सफाई करके रख लूँगी तो शायद अप्रैल तक अगर मुझे ये घर खाली करना पड़ गया तो हमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, साफ साफ हमारा सब कुछ सामान रहेगा, बस ले जाके हमें कहीं सेट करना होगा। तो कुछ इसलिए भी हम अपने घर के जो पर्दे वगैरह हैं सबको अच्छे से कर लूँगी। नवरात्रों के बाद शायद हमें कहीं सेटिंग करना पड़े, शायद, कंफर्म तो नहीं कह सकते शायद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मकान मालकिन के जो जेठानी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो उस वजह से ये घर जो है ये सेल होने को आया है। चाहे आज हो जाए कल हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। और तो मतलब हमें पहले से अपनी तैयारी बना के रखनी है। और यहाँ पे मैं जो है वो फ्लोर मैट की कर रही हूँ, तो ज़्यादा ये गंदा नहीं था। क्या हुआ कि जब हमारे घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था तो ये जो है डोर मैट है, तो ये हमने ऊपर मतलब कुछ सामान इधर उधर रख दिया था तो ये ऊपर ही पड़ा हुआ था और मैं इसको लाना भूल गई। उसके बाद ही जैसे सफाई वफाई सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, हम चले गए थे अपने घर। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने इसको कल उतारा था शाम को, और अच्छा है, थोड़ा सा एक दो जगह ये कट गया है, तेजाब से बैटरी का पानी होता है ना उससे कट गया है, तो ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करते थे वैसे, पर मुझे लगा कि अब इसको धूल के साफ करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हैं कीमती हैं तो ऐसे नहीं सोचनी चाहिए। तो वही इसकी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और साफ़ सफाई करने के लिए आप देख ही रहे हैं मैं इधर सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, थोड़ा ही है, हो जाएगा, मतलब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ टाइम तो लग जाता है। इसके साथ का एक है जो मैं प्रॉपर अपने गेट पर बिछाती हूँ, मतलब जैसे कोई बाहर से जूता वगैरह पहन के भी आ जाता है तो वो एकदम बाहर गेट पे होता है, वो थोड़ा सा गंदा है, बाकी ये तो साफ़ सुथरा ही है। तो फिर देखिए कैसे मैं करती हूँ क्लीनिंग अपने डोर मैट की। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।